हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं RUR वर्सेस AZA के बीच में जो अगला D10 का मैच होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, दोनों ही टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट के 8-8 मैचेस खेल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर इस मैच के अंदर ओपन कर रहे हैं, दोस्तों कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो यकीन मानो दोस्तों, ये वीडियो जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को एक बार आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद जो है ना फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगा, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। देखो, अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, मे बी एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस चेंज हो तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट में मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैच है, मैच टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो रात 8 बजे ये मैच होने वाला है दोस्तों, AL अमृत क्रिकेट ग्राउंड पे ये मुकाबला होने वाला है। और यहाँ का पिच रिपोर्ट आपको लगभग पता ही होगा, ज़्यादा पिच रिपोर्ट में बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि शुरू से ये सीरीज कवर कर रहे हैं और आपको ऑलमोस्ट पिच कंडीशन के बारे में आपको पता है। चलिए अब बात करेंगे RUR की टीम के बारे में। इन्होंने अभी तक 8 मैचेस खेला है दोस्तों इस टीम ने इस सीरीज के, यहाँ पे 6 मैचेस वॉन करा है दोस्तों और यहाँ पे 2 मैच लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे AZA की टीम के बारे में दोस्तों, 8 मैच के अंदर 4 मैचेस जीता है और 4 मैच जो है लॉस करते हुए आए हैं। देखो, अगर इस कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो RUR की टीम के जीतने के थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर पर फोकस करो जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हनर रिजवान जो कि टीम के आपको ओपन करते हुए दिखेंगे दोस्तों, इनके साथ मुजीबुर यहां पे ओपन करने के लिए आते हैं। ये ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 1 रन फिर 0, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 111 रन बनाए हुए अभी तक, और लास्ट मैच के अंदर 29 रन का पारी इन्होंने खेला हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों मुजीबुर इमरान अली के बारे में, तो ये भी ओपन करते हैं दोस्तों इनके साथ, पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर यहां पर 17, फिर 18, फिर यहां पर लास्ट मैच के अंदर 2 रन इन्होंने स्कोर करा है। ध्यान रखना दोस्तों, 4 मैचेस ही अभी तक खेला है, लेकिन जितने भी मैचेस अभी तक हुआ है इन्होंने 4 मैच के अंदर ओपन करने के लिए ही आए हुए हैं। तो ये चीज माइंड पे रखना, अगर यहाँ पे मुजीबुर खेलते हैं तो आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। वही अगर नेक्स्ट प्लेयर की बात करेंगे दोस्तों, खालिद गेल के बारे में, ये जो प्लेयर है फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, लास्ट मैच के अंदर हालांकि 1 रन पे आउट रहा था दोस्तों, लेकिन ओवरऑल इनका स्कोर देखोगे 114 रन उन्होंने स्कोर करा है। बाकी मेहरन खान टीम के सेकंड राउंड पे खेलेंगे दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 19 रन बना के 9 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेयर है। और अपने स्पेल के 2 ओवर का कंप्लीट गेंदबाजी करते दोस्तों, प्लस राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड फास्टर गेंदबाज है, बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स देंगे। देखो, बैटिंग से इनका कम उम्मीद रखना, ठीक है। टूर्नामेंट के अंदर 8 मैचेस के अंदर देखोगे तो मात्र दोस्तों अभी तक देखोगे 19 रन ही स्कोर करा है, लेकिन बॉलिंग के मामले में देखोगे तो बहुत बढ़िया रहा है दोस्तों, 9 विकेट निकाला हुआ है। वसीम अली लास्ट मैच के अंदर 21 रन स्कोर करा है दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैच के अंदर देखोगे सेकंड राउंड पे खेलते हुए 9 रन बना के 4 विकेट निकाले हुए थे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 129 रन बना के 7 विकेट निकाले हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी नसीम खुशी आपको विकेट कीपिंग में नजर आएंगे दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर थर्ड राउंड पे खेलते हुए 26 रन, लेकिन पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 90 रन अभी तक बना चुके हैं, ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे। RUR की टीम की तरफ से ये बेस्ट प्लेयर रहेगा विकेट कीपर में, ठीक है। बाकी हसनैन अली, ये जो प्लेयर है दोस्तों, अपना कोटा जो है 2 ओवर का कंप्लीट करते हैं, अभी तक देखोगे 31 रन बना के 8 विकेट निकाला, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इनको ट्राई करना है आपको। हसनैन उल वहाब की बात करेंगे, 4th राउंड पर खेलते हुए 51 रन स्कोर कराया, लास्ट मैच के अंदर देखोगे 118 रन बनाए हुए दोस्तों। बाकी मोहम्मद नदीम पूरे टूर्नामेंट के अंदर 26 रन बना के 5 विकेट निकाला
अलावा दोस्तों कलेमुल्ला की बात करेंगे, लास्ट मैच के अंदर दोस्तों इनको एक विकेट मिला है, आप देख सकते हो दोस्तों दो ओवर की गेंदबाजी में एक विकेट निकाला है। पूरे सीरीज के अंदर 11 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं मोहम्मद रफ़ी। लास्ट के कुछ मैचेस में फ्लॉप रहा था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 11 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं। बाकी इस्लाम को ड्रॉप करना, 2 मैचेस खेला है, दोनों मैचेस फ्लॉप रहा है। लास्ट के जो 3-4 प्लेयर हैं यहाँ पे दोस्तों आप इनको अवॉइड करते हुए जा सकते हैं, जो अभी तक एक दो मैचेस खेलते हुए आए हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद मुबारक, इनके बारे में ध्यान रखना दोस्तों, पहले मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले थे, लेकिन उसके बाद एक भी मैचेस में विकेट नहीं मिला है। तो ये आरयूआर का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है कि जो ये बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हो, लगभग आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एजेड का रिकॉर्ड एक बार देख लेने, यहाँ पे जसीम इलाही जो कि टीम के आपको कंप्लीट 2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अभी तक 5 विकेट निकाला हुआ इन्होंने, लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर का स्पेल डाला था जहाँ विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले मैच के अंदर देखोगे 2 ओवर का गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले हैं। टीम के शानदार गेंदबाजी है, इनको जरूर ट्राई करना दोस्तों। बाकी रियो वगार की बात करते हैं, ये रियो वगार की बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्लेयर है लास्ट मैच के अंदर देखोगे 1 रन पे आउट रहा था, उसके पहले मैच के अंदर 26 रन, फिर 1 रन, फिर 34 रन। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, लास्ट के 4-5 मैचेस में अगर आप गौर करेंगे तो ये ओपन करने के लिए आ रहे थे, अभी तक 90 रन स्कोर करा है। बाकी इमरान मोहम्मद इस टूर्नामेंट के अंदर 6 विकेट निकाला हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल वहाब के बारे में, दोस्तों लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 11 रन बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था। वसीम अख्तर दोस्तों पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 117 रन बना के दोस्तों 1 विकेट निकाला हुआ है। बॉलिंग कम करते हैं लेकिन बल्लेबाजी इनका बहुत मजबूत रहता है, इस सीरीज के अंदर देखोगे 36 रन बना चुका है। बाकी आदिल मोहम्मद दोस्तों पूरे टूर्नामेंट के अंदर 53 रन बनाया हुआ है। बाकी मंसूर अली की बात करेंगे दोस्तों, पूरे सीरीज के अंदर 127 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है। लास्ट मैच के अंदर देखेंगे 13 रन बनाए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट इनको मिला नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी करेंगे, इनको जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। यासिर दूर ये ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर 1 रन, फिर थर्ड डाउन पे खेलते हुए दोस्तों 3 रन बनाया हुआ है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी शाकिर अहमद पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 18 रन, फिर यहाँ पे 2 विकेट, फिर दोस्तों यहाँ पे 8 रन बना के 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर यहाँ पे विकेट नहीं मिला है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो बहुत बढ़िया बॉलिंग करा है, 29 रन बना के 9 विकेट अभी तक निकाल चुका है। टीम के शानदार गेंदबाज है, डेथ ओवर पर गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, तो इनको जरूर ट्राई करना है आपको। मेहदी हसन पूरे सीरीज के अंदर 29 रन बना के 4 विकेट निकाला हुआ है। सुफियान यूसुफ पहले मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए 14 रन स्कोर कराए, फिर 11, फिर 3 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी तक 3 ही मैचेस अभी तक खेला है, इनके खेलने के भी बहुत कम चांस है। बाकी अगर आप देखोगे शहजाद के बारे में, पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 4 रन, दूसरे मैच के अंदर 5 नंबर पे खेलते हुए दोस्तों यहां पे 3 रन बनाया हुआ है। बाकी बाहर की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए पहले मैच के अंदर 20 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला है। बाकी सेकंड राउंड पर खेलते हुए 8 रन बनाए थे, 2 विकेट निकाला हुआ है यहां पे 2 ओवर की गेंदबाजी में, फिर 28 रन, फिर 19 रन, और लास्ट मैच के अंदर 10 रन बनाया हुआ है फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए। यानी एक चीज तो तय है, बहर जो है दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये टीम के आपको टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे, और जितने मैचेस के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं दोस्तों, बॉलिंग से भी काफी बढ़िया विकेट्स निकाले हैं। बाकी आसिफ को ड्रॉप करना, जो कि 7 नंबर पे खेलते हुए 0 रन बनाया हुआ, आप इनको ड्रॉप करते हुए जा सकते हैं इस मैच के अंदर। तो ये रिकॉर्ड है आरयूआर और एजेडए की टीम ने, जो अभी तक 8-8 मैचेस खेले थे। जो आप स्टैट्स देख रहे हैं दोस्तों, जो बैटिंग ऑर्डर देख रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है दोस्तों, स्टैट्स को फॉलो करते हुए आप ईजी टीम बना सकते हैं यहाँ से। दोस्तों मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एक बार आप देख लें कि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर को मैंने अपने टीम के अंदर शामिल किया हुआ है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर में। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि एम नसीम को मैं ट्राई करूंगा विकेट कीपरिंग में। विकेट कीपर में ये जो खिलाड़ी जो है दोस्तों, ये नसीम खुशी जो कि टीम के आपको मतलब थर्ड डाउन पे खेलते हुए लास्ट मैच के अंदर दिखा था, जहाँ पे 26 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तभी तक 90 रन बना चुका है, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं इनको ट्राई करूंगा। हालांकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एस यूसुफ को भी ट्राई करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आप इनको ट्राई कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ये ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है दोस्तों, और लास्ट मैच के अंदर सेकंड राउंड पे खेलते हुए 3 रन पे आउट रहा था। हाँ, विकेट कीपरिंग करेंगे, कैचेस से स्टंपिंग से पॉइंट्स दे सकता है, ये बात है, लेकिन इनके खेलने के भी थोड़ा कम चांसेस मैच के अंदर, अगर खेलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भी टीम के टॉप ऑर्डर पर खेलेंगे। बाकी यहाँ पर ए मोहम्मद उतना बेटर है नहीं, यहाँ पर मैं ए नसीम खुशी को फिलहाल ट्राई करता हूँ, ठीक है। बाकी बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो मैंने 4 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से एजेडए की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 प्लेयर को लिया हुआ है, आरयूआर की टीम की तरफ से 2 प्लेयर है, जिसमें से एस अहमद
यादव शामिल है जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, टीम के टॉप ऑर्डर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। अभी तक देखोगे तो 29 रन बना के दोस्तों अभी तक 9 विकेट अपने नाम कर चुका है, मतलब गेंदबाजी के मामले में देखोगे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, टीम के कैप्टन है, एज ए बॉलर तो जरूर ट्राई करना। बाकी बल्लेबाजी कभी 2 नंबर पर करते हैं, कभी 3 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, तो बल्लेबाजी क्रम अगर आप देखोगे तो फिक्स नहीं है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग देखोगे तो कन्फर्म 2 ओवर करेंगे और अच्छे विकेट्स भी निकाले हैं अभी तक। एम अली को मैं ट्राई करूंगा, एम अली का भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है दोस्तों, इस वजह से मैं यहां पे एम अली के साथ भी अपने टीम के अंदर जाऊंगा। ये अगर आप अभी तक देखोगे तो 27 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं, लास्ट मैच के अंदर 13 रन बनाया था दोस्तों और यहाँ पे विकेट नहीं मिला था, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेंगे, तीन दोनों को मैं ट्राई करूंगा। बाकी केकेएल का रिकॉर्ड आपको दिखाया दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, अभी तक देखोगे 114 रन बना चुका है, फर्स्ट राउंड पर खेलने के लिए आएंगे। और एच रिजवान को मैंने ट्राई किया हुआ है, एच रिजवान ओपनर बैट्समैन है, लास्ट मैच के अंदर 29 रन स्कोर करा है, तो ये चारों आप तो समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी ऑलराउंडर में देखोगे तो मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, एम खान को मैंने लिया हुआ है आरयूआर के टीम की तरफ से, अभी तक 19 रन बना के 9 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों। बाकी यहां पे देखोगे वसीम अली तो 129 रन बना के 7 विकेट निकाल चुके हैं, ये जो प्लेयर है सेकंड राउंड पे खेलेंगे, प्लस आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोनों के दोनों। बाकी एच बाहर के बारे में मैंने पहले बताया था, बहुत ही शानदार पिक रहने वाले, तो ज्यादा मैचेस खेला नहीं अभी तक, लेकिन फर्स्ट राउंड पर खेलते बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कराया दोस्तों, विकेट भी निकाले हैं दोस्तों, बॉलिंग कभी कभी करते हैं, मतलब पार्ट टाइम बॉलर आप कह सकते हैं। बाकी मैं इन तीनों को फिलहाल ट्राई करूंगा, ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बॉलिंग में देखोगे 3 गेंदबाजों को मैंने लिया हुआ है, एच अली अपने स्पेल का 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, यहां पे दोस्तों एम राफी, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आरयूआर के टीम की तरफ से कंफर्म 2 ओवर करेंगे। बाकी यहां पे डब्लू अख्तर को मैं ट्राई करूंगा, ये भी अपने स्पेल के 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, अगर आप चाहें तो दोस्तों यहां पे जेलाही को ट्राई कर सकते हैं, ध्यान रखना ये भी 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, कलीमुल्ला भी टीम के कंप्लीट 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे। बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हो बॉलिंग सेक्शन में तो 1-2 प्लेयर आप अपने साइड से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से टीम प्रीव्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, कैप्टन के लिए डब्लू अली को मैं ट्राई कर रहा हूं और वाइस कैप्टनसी के लिए एम अली के साथ मैं जाऊंगा। देखो डब्लू अली का भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ध्यान रखना यहां पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप इनको चेंज करते हैं दोस्तों, मतलब देखो काफी लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एस अहमद को क्या कर रहे हैं, कैप्टनसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एस अहमद का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया दोस्तों, ये जो प्लेयर है अभी तक 9 विकेट्स निकाला है, इस वजह से काफी लोग इनको ट्राई कर रहे हैं, मतलब बॉलिंग से देखोगे ना तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत बढ़िया खेला हुआ है, इस वजह से काफी लोग इनको कैप्टनसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे दोस्तों एम अली को मैंने क्यों लिया हुआ है, एक चीज आप यहाँ पे समझो, लॉजिक किया है, ये ओपन करेंगे प्लस गेंदबाजी करेंगे, हाँ इन्होंने 9 विकेट लिया हो भले ही, लेकिन ये भी अभी तक देखोगे दोस्तों तो 127 रन बना के 6 विकेट निकाला है, ये भी 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे प्लस दोस्तों यहाँ पे टीम के ओपन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं इनको ट्राई करूंगा, बाकी आप सिलेक्शन बेसिस पे कभी टीम क्रिएट मत करना। डब्लू अली को मैंने ट्राई किया हुआ है आरयूआर के टीम की तरफ से, इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है दोस्तों, अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया खेला हुआ है, सेकंड राउंड पर खेलते हुए अभी तक 129 रन बनाया प्लस 7 विकेट निकाले हैं, तो मैं दोनों को फिलहाल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए लेता हूं। बाकी एस अहमद ये आपकी मर्जी, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, बाकी मेरे साइड से टीम प्रीव्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी लाइनअप का वेट करो, 1-2 प्लेयर अगर चेंज होता है मेरे साइड से तो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।